हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है तो अभी आरना स्कूल नहीं गई है तो मैं लग गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि आज जो है ना मुझे किचन की करनी है डीप क्लीनिंग। इसलिए जो है ना मैं सुबह सुबह ही जल्दी उठ गई थी और मैंने सुबह ही दाल चावल बना लिए हैं, क्योंकि आरना बोल रही थी रात को दाल चावल के लिए कि उसको दाल चावल लेकर जाना है। तो मैंने ये सारा काम जो है ना खाने का वो मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है किचन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए जो है ना मैंने सुबह सुबह ही जो है ना मैं अपना लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। डिलीवरी होने से पहले जो है ना मुझे अपने घर की सफाई करनी है, कि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो त्यौहार जो आ रहे हैं वो अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे सारे, और मुझे अक्टूबर में 9th मंथ जो है ना वो लग जाएगा। तो कहते हैं कि 9th मंथ में ना डिलीवरी, जैसे 9th मंथ लगते ही डिलीवरी हो जाती है, तो ये भी कहते हैं सब और मैंने भी देखा भी है। वैसे आरना जो है ना पूरे 10th मंथ, जब 10th मंथ लग गया था मुझे तभी वो हो गई थी, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि हो सकता है कि 9th मंथ लगते ही आपको आपकी डिलीवरी हो जाए। और इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो भी काम है ना जो साफ़ सफाई वाला है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। और त्यौहार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो दिवाली है, दिवाली पे हर कोई अपने घर की सफाई करता है, तो मुझे एक बड़ी उलझन सी रहेगी कि मैंने अपने घर की कोई सफाई नहीं की अच्छे से। तो वही जो है ना मेरी जो सफाई जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, और किचन के सारे जो कंटेनर वगैरह है वो सब मैंने निकाल लिए हैं बाहर, तो लगते हैं सफाई में। और सफाई जो है ना आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके ही मैं शुरू करूँगी। तो वैसे मेरी किचन ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि मैं करती रहती हूँ इसलिए, और कंटेनर जो है ना वो भी साफ़ है, क्योंकि जब भी खाली हो जाते हैं मेरे कंटेनर मैं तभी उसको अच्छे से अंदर से वॉश कर देती हूँ, और इजी भी रहता है। क्योंकि अगर कोई भी वैसे वॉश नहीं करेगा जब कंटेनर खाली हो जाएगा तो हमें किचन में और ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, मतलब कि हमें हर चीज़ घिसनी पड़ेगी अच्छे से। तो इसलिए जब भी मुझे कंटेनर मेरे खाली होते हैं मैं तभी वॉश कर देती हूँ, और इससे क्या रहता है कि एक तो हमारे सफाई में भी टाइम बच जाता है, ऊपर से जो है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए बस मुझे भी ऊपर ऊपर से साफ़ करना है, अंदर के सारे साफ़ हैं और सारे कंटेनर जो है वो मैंने धो दिए हैं। जो खाली थे उनको, मतलब जो धुले हुए थे खाली थे, तो उनको भी मैंने फिर से एक बार धो दिया, और बस अभी कंटेनर को बाहर मतलब हॉल में रख दिया है ताकि वो पंखे की हवा में सूख जाएंगी। और मैं आ गई हूँ अभी इस वाले रूम में, क्योंकि आरना जो है ना स्कूल जा चुकी है, और मैं अभी चाय का पानी भी रख कर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि कपड़े रखे हुए हैं इनको मैं तह लगा के अभी मैं रख देती हूँ, और जब तक मेरी जो चाय है ना वो भी बनती रहेगी। तो मैंने अभी म्यूट किया है, और अभी मैंने भजन चलाए हुए तो म्यूट किया है मैंने। तो आरना स्कूल जा चुकी है, आरना के पापा छोड़ने गए हैं, मैंने रखा है अभी चाय का पानी, तो वो रखी हुई मेरी चाय, तो चाय का पानी रखा हुआ है। और आज जो है ना मुझे अपनी किचन को भी साफ करना है थोड़ा बहुत, जो है ना मैंने कैबिनेट जो है साफ कर दिया जैसा कि आपने देखा, और बाकी के जो कंटेनर है वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए, जल्दी सूख जाएंगे। तो मैं बैठ गई क्योंकि ना मैं थक गई थी बहुत ज्यादा, और मैं कह रही थी कि आज जो है मुझे अपना किचन भी साफ करना है। तो सारे कंटेनर मैंने यहाँ कर दिए हैं, यहाँ पर रख दिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है, तो धूप में क्या होता है ना कि कलर खराब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सब यही रख दिया है। और मेरी जो सफाई है त्योहारों की वो अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया है अपने किचन से स्टार्ट किया है, तो किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट किचन मेरा इतना ज़्यादा साफ है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, तो ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी साफ हो जाएगा। इसलिए जो है ना मैंने खाना पीना पहले ही बना लिया, मतलब दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि आरना भी बोल रही थी कल कि उसको दाल चावल लेकर जाने हैं, तो दाल चावल हो गया है। आटा जो है बाद में ही गूंद लूंगी, और बस अभी मेरा इतना काम हुआ है। तब हस्बैंड आ जाते हैं तो चाय वाय पी के उसके बाद फिर से लगती हूँ मैं, क्योंकि त्योहार आप सबको पता ही है कि सारे जो त्योहार है वो अक्टूबर में आ रहे हैं, और डिलीवरी के टाइम भी ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी जल्दी भी हो जाए। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने जो साफ सफाई वाले जो काम है ना, जो क्लीनिंग वाले काम है, वो मैं पहले ही निपटा ले रही हूँ,
क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा और फिर कोई करने वाला भी नहीं है मेरे सिवा। इसलिए जो है ना मैं आज से स्टार्ट कर दिया है। एक बलून फूट गया है आरना का, तो अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, चाय बन रही है, उसके बाद फिर दोबारा काम पर लगते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, आरना जैसे कि जा चुकी है ना, तो 8:30 हो रहे हैं, तो आराम से मेरा किचन का काम हो जाएगा आरना के आने से पहले। पहले कोशिश करूंगी कि कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से, तो थोड़ा सा वही रहता है, फिर उनको देखना, खाना पीना करना, होमवर्क करवाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए सफाई में ना मैंने अपने हस्बैंड को साथ में ले लिया है, और नाश्ता जो है ना हमारा हो गया है। नाश्ते के जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे सिंक भरनी नहीं है, तो ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो जितने भी क्रॉकरी का जो सेट है ना, जितना भी सामान है वो मैं नीचे रख रही हूँ, और मैंने अपनी हस्बैंड की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगी, और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ऊपर की रहने देना वो मैं कर दूँगा, तो वही कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे से खाली कर दिया, तो कॉलिंग से ही उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। और जो मेरे जितने भी क्रॉकरी वाले जो सेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तो मैंने ऊपर रखे हुए हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ, और कुछ जो है ना मैंने बेड के अंदर डाले हुए हैं, तो काफ़ी सारे हैं मेरे पास, कभी यूज़ में मैंने लिए ही नहीं है, तो वो ऐसी कैसी नए रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार दिवाली पर मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो कोई चीज़ फिर यूज़ में नहीं आती है ना, तो मैंने सोचा कि उसको मैं निकाल लूँगी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो मैं मतलब मेरे हस्बैंड क्लिप लेकर आए थे, और क्या जैसे थोड़े थोड़े सी चीज़ें जैसे खाली हो जाती है ना, तो बरसात के टाइम पर लेकर आए थे, और मैं उसको रखना भूल गई थी, मतलब मैंने कहाँ रखे थे वो मैं भूल गई थी। फिर मैंने जब सफाई की तो मुझे मिल गए, और मैंने सब में रबड़ लगाया हुआ था, तो रबड़ को निकाल के मैंने वो क्लिप लगा दिया। बहुत ही अच्छी है वो क्लिप, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कुछ भी सामान ख़राब नहीं होता है, कोई भी सामान जो है ना वो सिलता भी नहीं है, तो वो सब मैंने अच्छे से उसको मैं क्लिप लगा के वो एक मैंने डब्बे में उसको अरेंज करके रख दिया है। जैसे छोटी छोटी चीज़ होती है, कुछ दालें बच जाती है या कुछ भी बच जाता है, तो इस तरीके से मैं क्लिप को लगा देती हूँ, तो मेरे जो सारे जो कैबिनेट्स हैं ना वो सब क्लीन हो चुके हैं ऊपर से लेके नीचे तक। और अब मैं सफाई कर रही हूँ टाइलों की, तो टाइलें वैसे मेरी साफ़ है, बट हम जब सफाई करने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छोड़ो नहीं, तो सारी चीज़ें जो है ना वो कर ही देते हैं हाथों हाथ जब हम करने बैठे हैं। तो बस अभी मैं इसको फटाफट से कर दूँगी, और ज़्यादा गंदी तो है नहीं किचन मेरी, तो बस हाँ ये है कि मुझे चिमनी में थोड़ा टाइम लगा था, चिमनी अंदर से थोड़ी सी गंदी थी, क्योंकि चिमनी ऐसी होती है ना कि हम 15 दिन में एक बार करते हैं, तो 15 दिन से काफ़ी ऊपर हो गया था, तो चिमनी साफ़ नहीं हो पाई थी, तो उसको क्लीन करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, पर होगी मेरी चिमनी साफ़। और बस इसके बाद टाइल अच्छे से साफ़ करने के बाद गैस को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और मेरी जो गैस है ना बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तो कहीं कहीं से ना काले से जो धब्बे से होते हैं ना वो भी हो गए हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको साफ़ करने की, बट ये साफ़ ही नहीं होते हैं। और बस मेरा जो काउंटर टॉप है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, ओवन वगैरह जो है ना वो भी मैंने रख दिया है, तो बस अभी जो आलू की जिसमें मैं आलू वगैरह रखती हूँ तो वाले जो स्टैंड है वो भी मैंने वॉश कर दिया था, तो धूप में रख दिया था, वो भी सूख चुका है, तो अभी मैं आलू प्याज को अरेंज करके रख रही हूँ। और ऊपर वाले जो आपको दिख रहा होगा खाली, तो वहाँ पर मैं बॉटल्स रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में जो है ना मैं पानी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा सा है कि गला थोड़ा सा भी ठंडा पानी पियो तो गला ख़राब हो जाता है, इसलिए जो है ना अब मैंने फ्रिज में बॉटल रखना बंद कर दिया है। तो पानी मतलब बॉटल भर के ऊपर वाले मैं हिस्से में मतलब ऊपर वाले एरिया में मैं रख देती हूँ, तो वो भी अरेंज करके रखी रहती है, तो अच्छे लगते हैं देखने में। और बस अभी मेरा किचन का नीचे का रह गया है फ्रिज को हटाकर, तो फ्रिज के पीछे से जितनी भी गंदगी होगी वो मैं निकाल दूंगी। वैसे मैं 15 दिन में एक बार मैं फ्रिज को हटाकर साफ़ कर देती हूँ, बट डेली डेली नहीं हो पाता है ना, तो फिर क्या होता है ना कि नीचे से ना अंदर से फ्रिज के पीछे से ना बहुत सी मिट्टी वगैरह चली जाती है, और आप काउंटर टॉप जो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, बस चिमनी की वजह से टाइम लगा है, नहीं तो मेरी किचन बहुत साफ़ थी पहले से ही, और मेरी जो किचन है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और
बस ऐसा लग रहा था मैं देखती रहूं। जब कुछ वैसे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मैं जब दिवाली के आसपास चेंज करूंगी अगर करूंगी तो। तो मेरी किचन बिल्कुल साफ हो गई और फ्रिज रह गया है, तो फ्रिज मैं करूंगी कल, अभी टाइम नहीं है। आज ना स्कूल से आ चुकी है ना, तो मैं अभी पहले नहाने के लिए जा रही हूँ और फिर आके रोटियां बनाती हूँ। ये सब बिल्कुल एकदम ऊपर से लेके नीचे तक सारा साफ हो गया है, तो किचन की डीप क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और अब इसमें कुछ नहीं करना है। बस कभी जैसे त्योहार से आएगा, जैसे नवरात्र तो खैर आ ही रहे हैं, एक एक डेढ़ हफ्ते बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे ऊपर से पहुंच दूंगी और दिवाली पर भी ऐसी मैं पहुंच दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। तो डीप क्लीनिंग तो मेरी हो गई है और अब मैं जाके नहा कर आती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा गंदा वाला फील हो रहा है मुझे। और टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुका है। ठीक है, अच्छी लग रही है, एकदम साफ सुथरी है, बड़ी अच्छी सी लग रही है किचन मेरी आज। तो ये टाइम था शाम का, तो मैं शाम की चाय जो है ना वो बनाने के लिए रख दी थी, मतलब बन चुकी है। तो दोपहर में क्या हुआ कि जब मैं आपसे बात की थी तो फिर मैं उसके बाद नहाने के लिए चली गई और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, खाना खाया, थोड़ा सा लेट है तो टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी और फिर मेरी आँख खुली थी 5:30 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने चाय का पानी रखा और बस अब मेरी जो चाय है वो बन गई है। और बस चाय पीने के बाद सीधा फिर मैं लंच के आ रही हूँ, डिनर बनाऊँगी। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।